अगर तुम लोग भी कोई नया एनिमे देखने के लिए ढूंढ रहे हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा एनिमे के नाम बताऊंगा जो कि अभी हाल ही में आया है कोई आई थिंक तीन या चार एपिसोड ही उसकी आई है लेकिन उसने आकर ही ऐसी तहलका मचा दी है कि हर एक बंदा उसी एनिमे के बारे में बात कर रहा है और या मैं बात कर रहा हूँ निंजा कमोई की और ये एक ऐसा एनेमे है जो कि अभी हाल ही में आया है और पहली एपिसोड से ही इससे तहलका मचा दिया है हर जगह हर एक बंदा निंजा को मुई निंजा को मुई कर रहा है अगर तुम लोग कोई ऐसा रोम कॉम और स्लाइस ऑफ लाइफ और ऐसे एच ई एनिमेज नहीं देखना चाहते और ऐसा कोई एक्शन से भरा हुआ एनिमे लाइक कोई निंजा बेस्ड स्टोरी लाइन तुम लोग देखना चाहते हो तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है अब इस एनिमे के अंदर क्या होता है मैं एक जस्ट थोड़ी सी एक स्टोरी बता दू कि इस एनिमे के अंदर हमारा जो मेन हीरो होता है उसका नाम हीगन होता है और लाइक इस एनिमे की स्टार्टिंग में ही हमें दिखा दिया था कि हर क्लैन की सीक्रेट जो है वो उस क्लैन से बाहर ही जाने चाहिए और ये सारे क्लांस जापान की सेफ्टी के लिए होते हैं उसके फ्यूचर को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए होते हैं लेकिन अब एक निंजा की लाइफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल और बहुत ज़्यादा टफ होती है तो हमारे जो मेन हीरो हीगन साहब होते हैं वो अपने क्लैन को छोड़कर कहीं दूर अमेरिका में किसी पहाड़ों में जाकर रहना शुरू कर देते हैं उसके साथ उधर ही हमारे हीगन साहब की वाइफ और उसका एक बच्चा इंट्रोड्यूस होता है और वैसे तो देखने में लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी फैमिली है और फिर उधर ही हमें इसकी बच्ची की बर्थडे का एक सीन दिखाया था और जो कि लास्ट मोमेंट था इन सब का एज अ फैमिली में फिर उसके बाद हमारे हीगन साहब न्यूज़ में देखते हैं कि जो भी दूसरे निंजास हमारे हीगन साहब की तरह जिन्होंने छोड़ दिया था अपने क्लैन को उनके साथ क्या हश्र हो रहा है और उन सबको एक-एक करके मारना शुरू हो गया और फिर उसी रात को हीगन साहब के घर पर भी हमला हो जाता है वहां पर हमें हल्की बुल्की फाइटिंग दिखाई देती है और जब वो ऊपर अपने कमरे में जाता है तो वहां पे वो देखता है कि उसकी वाइफ और उसके बेटे को कैसे मारा जाता है और दैट वॉज वेरी ब्रूटल उधर भी हमारे हीगन साहब ही मर जाते हैं लेकिन 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 यहाँ पे एक ट्वेस्ट होता है कि हमारे हीगन साहब वो दोबारा अवेकन हो जाते हैं और वो वहाँ पे देखते हैं कि उसकी वाइफ और उसका जो बच्चा है वो मरा हुआ होता है और फिर वहाँ पे हमारे हीगन साहब एक इरादा करते हैं कि वो अपने पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देगा और लाइक ही विल फक द होल क्लैन फिर उसके बाद जो काम करता है और वहां पे हमें फिर बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे फाइटिंग सीन्स दिखाए जाते हैं तो बेसिकली वैसे ये एक पूरी रिवेंज स्टोरी है लेकिन ये थोड़ी सी हटके है क्योंकि इसमें हमारी जो रिवेंज है बहुत ज्यादा एक डिफरेंट स्टाइल में दिखाया हुआ है और हमें इसमें निंजा का कॉन्सेप्ट ले आए हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी स्टोरी आजकल की कोई एनिमे एनेमे एनिमे बनाता है और अगर अब हम स्टोरी को हट के दूसरी चीजों के बारे में बात करें तो इस एनिमे को ई एंड एच प्रोडक्शन स्टूडियो एनिमेट कर रहा है और जो कि अभी न्यू ही एक एनेमे स्टूडियो है और उसी ने ही मॉस्टर एनिमे एनिमेट किया है और फिर उसके बाद जो इस एनिमे का डायरेक्टर है वो वही सेम डायरेक्टर है जिसने जुजुसु का, का सीजन वन और जीरो मूवी और मोस्टर इस किस्म के एनेमेज जो हैं और गॉड ऑफ हाई स्कूल ये उसने डायरेक्ट किए हैं तो इसीलिए इस एनिमे के अंदर जो फाइटिंग स्टाइल है और जो फाइटिंग के सीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं और या इसके फाइटिंग सीन्स को देखते हुए ये पता लगता है कि हाँ भी किसी कमाल के डायरेक्टर ने ही इसकी फाइट सीन को डायरेक्ट किया हुआ है और एंड पर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा इसका जो आउटर म्यूजिक है वैसे मैं आउटरो सॉन्ग्स की इतनी तारीफ करता नहीं हूँ लेकिन इस एनिमे का आउटडो सॉन्ग आई हैव टू से कि बहुत ज़्यादा कमाल है लाइक मैं उसका अब आउटडोर सुनता हूँ मैं सिर्फ आउटरो नहीं इंट्रो भी अच्छा है लेकिन इंट्रो इतना अच्छा नहीं लेकिन है लेकिन फिर भी सुनने के लायक है लेकिन उसका आउटर म्यूजिक बहुत ज़्यादा कमाल है तो अगर आप लोग ये एनिमे देखने जा रहे हो तो मैं तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इसका आउटड्रो सॉन्ग ज़रूर सुनना बहुत ज़्यादा कमाल है और मेरी मेरी तरफ से ये हंड्रेड परसेंट रिकमेंडेड है कि अभी तीन या चार एपिसोड ही आई हैं और बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा कमाल कमाल की इसकी स्टोरी चल रही है है इसके फाइटिंग सीन्स और एनिमेशन भी बहुत ज्यादा कमाल है और सबसे बड़ी बात तो मैं बताना भूल ही क्या इसके एमसी का वॉइस एक्टर सेम नानामी का वॉइस एक्टर उन्होंने तो पकड़ा है तो या उसकी आवाज सुनने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा तो या बस आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आइए तो हमारे चैनल को आइए तो आइए तो हमारे ओके okay, तो या बस आज के लिए बस इतना ही आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आइए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिल तो आपको अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अला हाफिज़ एंड सेवन